नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, चंद्र ग्रहण पुनः 5 जुलाई को लगने जा रहा है। मित्रों, आपको तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण में कोई सूतक नहीं लगेगा, इस चंद्र ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण दूसरे देशों में दिखाई देगा, पोंगा पंथी में बिल्कुल आप ना पड़े, बिल्कुल चंद्र ग्रहण लगेगा, 100% चंद्र ग्रहण लगेगा और सूतक भी लगेगा, चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव भी मिलेंगे। चंद्र ग्रहण चांद पर लगता है और चांद जो है वो किसी देश का नहीं होता है कि वहां दिखाई दिया तो वहां असर होगा, यहां दिखाई दिया तो यहां असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रहण लग रहा है वो चांद पर लग रहा है, सूर्य, चांद, गुरु, शनि सब ग्रह हैं। मित्रों, इसीलिए आप किसी तरह की दुविधा में ना फंसे, पूरा सूतक लगेगा। आज की डेट तक सारे कह रहे हैं कि सूतक नहीं लगेगा, लेकिन अभी देखिए जहां मैंने वीडियो डाला, मेरे वीडियो डालने के आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद 10 लोग ये भी वीडियो डाल देंगे कि हाँ सूतक लगेगा। तो ये लोग कोई फर्म नहीं है, कोई इनके पास वो नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। इनको क्या है कि बस जो भी मन में आया वो बोल दिया, जो भी आया लोगों को बता दिया, लोगों को क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है उसकी इनको कोई परवाह नहीं, ना ही इनके पास अपनी कोई बहुत फर्म जो है सोच है। अगर वो चंद्रमा पीड़ित है, वह चंद्रमा भारत में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कष्ट होगा वो चंद्रमा को होगा, वो पीड़ित होगा, इसलिए चंद्रमा से संबंधित समस्याएं, इसलिए चंद्रमा की वजह, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है, तो मन जो होगा हर आदमी का कलुषित हो जाएगा, मन में तकलीफ होगी, मन में आदमी के तरह तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। तो मित्रों, इसलिए चंद्रमा का यह ग्रहण पूरी तौर पे सबको इफेक्ट करेगा। मित्रों, अब हम लोग जानते हैं 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी क्या। मित्रों, ये जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा वो धनु राशि में लगेगा, इसलिए धनु राशि के जो लोग हैं उनको तो विशेष करके परेशानी उनकी जो होगी वो ज्यादा बढ़ सकती है, दिक्कत आ सकती है उनको। और 5 जून को ये जो चंद्र ग्रहण लगा था, पिछला वाला वो लगा था वृश्चिक राशि में, ठीक। अब 5 जुलाई वाला जो चंद्र ग्रहण है वो लग रहा है धनु राशि में, और इसका जो समय होगा इसका, वो जो पहला स्पर्श होगा वो 8:38 पे होगा सुबह, ठीक। और इसका जो परम ग्रास होगा वो होगा 9:59 पे सुबह। इसी तरीके से उपछाया से अंतिम स्पर्श जो होगा वो होगा 11:21 से, 11:21 पे सुबह के समय। और जो ये टोटल ड्यूरेशन होगा, ये जो ग्रहण पूरा ग्रहण का टाइम होगा वो होगा 2:43:24 का। मित्रों, ये जो होगा ग्रहण का टोटल टाइम होगा। अब चूंकि ग्रहण जो है सुबह 8:38 पे लगेगा, तो इसलिए 8:38 से 9 घंटे पहले जो है वो सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और मित्रों, फिर आपको बता दे रहे हैं कि सूतक जो होगा पूरी तौर पर मान्य होगा, क्योंकि जो चंद्रमा होता है या सूर्य होता है वो एक ही ग्रह है पूरे पृथ्वी का। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः आपसे किसी नए वीडियो में नए विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।